संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक, जबकि दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को देश में बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने फरवरी के पहले सप्ताह में बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू की है, जबकि पहले फरवरी माह के आखिरी सप्ताह में बजट पेश करने की परंपरा थी। वहीं मोदी सरकार इस बजट से पहले देश के अर्थशास्त्रियों और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ बैठक करेंगे, जिसका मकसद मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था की मंदी पर चर्चा और उससे उबरने के लिए जरूरी उपाय निकाले जा सके। ये बैठक प्री बजट का ही हिस्सा होगी। पिछले कुछ महीनों से भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, इस लिहाज से देखा जाए तो मोदी सरकार के लिए ये बजट काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। माना जा रहा है कि इस बार सरकार जनता को ज्यादा राहत देने के मूड में नहीं है। मोदी सरकार ने 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत की हालिया आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को इस आंकड़े तक पहुंचने में और समय लग सकता है। मोदी सरकार के सामने 2020 में ऐसी कई सारी छोटी छोटी चुनौतियां हैं, जिन्हें पार कर पाना भी एक बड़ी चुनौती होगा। टीम खबर।